रूपा जी, वीट में क्या लग रहा है? क्योंकि वीट में तो देख रहे हैं कि प्राइसेस गिरे तो हैं, लेकिन ज्यादा नहीं गिरे हैं एक्सपोर्ट बंद होने के बावजूद भी। दूसरा, अभी जो विदेश हैं, बाकी देश हैं, उनकी अभी भारत के सामने कतारें खड़ी हुई हैं, जो लगातार भारत से डिमांड कर रही हैं कि भारत अपने गेहूं का निर्यात फिर से चालू करे। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, अगर भारत कुछ देशों को कुछ कुछ मात्रा में गेहूं का निर्यात अगर चालू कर भी देता है, तो क्या फिर से आम जनता की जेब पर असर पड़ने वाला है? क्या आम जनता की गेहूं की रोटी फिर से महंगी हो जाएगी? देखिए, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। एक्सपेक्टेड जरूर है कि एक्सपोर्ट एक बार फिर से खुल सकता है, क्योंकि काफी देशों की तरफ से डिमांड की जा रही है और भारत सरकार को कि गेहूं का निर्यात खोल दिया जाए, ताकि वहां पर जो गेहूं की किल्लत है उसको पूरा किया जा सके। और अगर एक्सपोर्ट खुलता है तो फिर डेफिनेटली प्राइजेस के ऊपर इसका असर आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन सरकार ने एक्सपोर्ट इसी वजह से लगाया है कि यहाँ पर गेहूं की कीमतें ना बढ़े, क्योंकि आम जनता के ऊपर इसका बोझ ना आए। क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि तेलों के प्राइसेस काफी ऊपर गए थे, कपास काफी ऊपर जा चुका है, तो यहाँ पर भी कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया है। धीरे धीरे माल जो है वो जरूर एक्सपोर्ट जो है वो किया जाएगा, क्योंकि दूसरे देशों को अगर इसकी जरूरत है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट खुलेगा। और अभी जो यहाँ पर भी हमारे यहाँ पर भी प्रोडक्शन आता है और प्राइसेस को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाएगा, बैलेंस किया जाएगा। और बहुत ज्यादा फिलहाल तेजी गेहूं पर आती हुई दिखाई नहीं दे रही, लेकिन गिरावट भी नहीं है यहाँ से, प्राइसेस यहाँ पर सस्टेन होते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है।